যুদ্ধ নয়, শান্তির বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। রমজান মাসে যুদ্ধ না করার পরামর্শ মোদীর। ভারত যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়। রিপাবলিকের মেগা এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। तो प्रधानमंत्री जी, आपने प्लेयर की बात कही, व्यक्तिगत तौर पे आप पर भी ग्लोबल फोकस बहुत बढ़ गया है और अपेक्षा भी बढ़ गई है, क्योंकि ये समांतर लोग आज कह रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन मैच द एक्सपीरियंस एंड द स्टैचर ऑफ नरेंद्र मोदी एज द लीडर ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विथ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो एक जिसको कहते हैं स्वीकारिता, यानी कि ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी नरेंद्र मोदी जी की बहुत बढ़ गई है। अब मैं जैसे यूक्रेन की बात कही, तो आपको इनविटेशन वेस्टर्न ब्लॉक ने भी इनवाइट की है, जो ये पीस समिट होने वाली है यूक्रेन में, उसके बाद G7 समिट पे आप जाएंगे तीसरे कार्यकाल में, और उसके बाद इमिडिएटली उसके बाद आपका एनुअल समिट रशिया के साथ भी है, जिस पर जयशंकर जी ने पिछली बार पुतिन जी को कहा कि अगली बार प्रधानमंत्री जी आएंगे, इस बार व्यस्त नहीं आ पाए। तो एक फीलिंग होती है कि मॉस्को हो या वॉशिंगटन हो या लंदन हो, नरेंद्र मोदी कैन प्ले अ रोल एज अ वेरी एक्सेप्टेबल ग्लोबल मीडिएटर ऑन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एंड इश्यूज लाइक दिस बिटवीन डिफरेंट साइड्स, या शायद मीडिएटर ठीक शब्द नहीं होगा प्रधानमंत्री जी, टू रिड्यूस ग्लोबल टेंशन, मे बी ये दिस इज अ बेटर वे ऑफ पुटिंग इट। तो इस पर मैं चाहता हूं कि बिकॉज इट विल, इससे भारत का स्टैचर भी काफ़ी बढ़ेगा और बढ़ भी चुका है आपके कार्यकाल में, इस पर ज़रा आपकी राय क्या है? ऐसा है कि एक तो मैं बड़ी बड़ी बातें करूं वो मुझे शोभा नहीं देता है और न ही वो उचित होगा। दुनिया को ये विश्वास है कि भारत के चुनाव नतीजे क्या आने वाले हैं, आश्वस्त है, और इसलिए मुझे जून महीने के इनविटेशन आगे पड़े हैं, अगस्त के हैं, अक्टूबर के हैं, सितंबर के हैं, अरे काम। और मैं सबको कहता हूँ मेरे हाथ में भी चुनाव, अरे बोले चुनाव तो हमें मालूम है क्या होने वाला है, आपको आना ही है। ये यानी एक प्रकार दुनिया को विश्वास है कि हमें, अब मैं समझता हूँ कि दुनिया के जितने ग्रुप्स हैं, समूह जो बने हुए हैं, करीब करीब सभी समूह किसी न किसी रूप में भारत की उपस्थिति उस पर चाहता है। जी से बने तो मैं बने तो वो चाहते हैं कि हम भविष्य में, तो एक अच्छी स्थिति भारत की उस प्रकार से हमारा स्थान बढ़ता जा रहा है। जहां तक कॉन्फ्लिक्ट का सवाल है, ज्यादातर दुनिया के देश पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, हम ही एक अकेले हैं जिसकी पोजीशन बहुत साफ है, हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम शांति के पक्ष में हैं, और इसके कारण विश्व का विश्वास बना कि यही एक लोग हैं कि जो किसी को आर्म्स देने की भी बात नहीं करते हैं और किसी को लड़ाई न करने की भी बात नहीं करते हैं। अब मेरे में हिम्मत थी कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठ के आँख में आँख मिला के मैंने कहा था कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, जो ग्लोबल हेडलाइन बन गया था एक हफ्ते के। तो भारत ने अपनी पोजीशन बना ली है और हम शांति के पक्ष में हैं। अब जिस समय अभी इजराइल में और हमास का जो चल रहा था जी, तो मैंने मेरा एक स्पेशल एनवॉय भेजा था इजराइल, और इस इजराइल को मैं समझाने के लिए भेजा था कि कम से कम ये रमादान चल रहा है, रमजान महीना चल रहा है, उस समय आप लड़ाई मत करो, किसी पर हमले मत करो। तो दुनिया को मालूम नहीं है, लेकिन ये बात ज़्यादा चर्चा में नहीं है। रमादान हो गया है तो मैं आज बताता हूँ। जी, जी जी जी, बहुत बड़ी बात। मैंने स्पेशल एनवॉय भेजे थे, अच्छा, और मैंने उनको कहा था कि ये जेस्चर आपका बाकी जगह पर। दूसरा मैंने कहा कि वहाँ के लोगों को रमादान के समय जो सुविधा की आवश्यकता है, भारत उनके लिए भेजना चाहता है, हमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, हम उनकी जो भी मदद करना चाहिए। तो हमारा ये करेक्ट है जी, और हम ये करते हैं, हम इसका ढोल नहीं पीटते हैं, लेकिन हम करते हैं, और कुछ मात्रा में हमें सफलता मिलती है, कुछ मात्रा में नहीं मिलती है, लेकिन हम ही कर रहे हैं
इस मिजाज से हम नहीं कर रहे हैं। हम दुनिया से कट करके रहना नहीं चाहते और दुनिया के सट करके रहने में देश की वैल्यूज को छोड़ने को लगे हम तैयार नहीं। हम हमारा देश, हमारे मूल्य, हमारी परंपराएं, उसी को लेकर के हम दुनिया के सामने जा रहे हैं। आपने जो बात अभी कही ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, लोगों को पता भी नहीं है, इससे एक तरह का अलग मैसेज भी जाता है। যুদ্ধ নয়, শান্তির বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। রমজান মাসে যুদ্ধ না করার পরামর্শ মোদীর। ভারত যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়। রিপাবলিকের মেগা এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী জি, আপনি প্লেয়ার কি বাত কহি, ব্যক্তিগত তোর পে আপ পর ভি গ্লোবাল ফোকাস বহুত বড় গয়া হ্যায় অর অপেক্ষা ভি বড় গয়ি হ্যায়, কিউঁকি ইয়ে ये समांतर लोग आज कह रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन मैच द एक्सपीरियंस एंड द स्टैचर ऑफ नरेंद्र मोदी एज द लीडर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विथ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो एक जिसको कहते हैं स्वीकारिता, यानी कि ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी नरेंद्र मोदी जी की बहुत बढ़ गई है। अब मैं जैसे यूक्रेन की बात कही तो आपको इनविटेशन वेस्टर्न ब्लॉक ने भी इनवाइट की है, जो ये पीस समिट होने वाली है यूक्रेन में, उसके बाद G7 समिट पे आप जाएंगे तीसरे कार्यकाल में, और उसके बाद इमीडिएटली उसके बाद आपका एनुअल समिट रशिया के साथ भी है, जिस पर जयशंकर जी ने पिछली बार पुतिन जी को कहा कि अगली बार प्रधानमंत्री जी आएंगे, इस बार गस्ते नहीं आ पाए। तो एक फीलिंग होती है कि मॉस्को हो या वॉशिंगटन हो या लंदन हो, नरेंद्र मोदी कैन प्ले अ रोल एज अ वेरी एक्सेप्टेबल ग्लोबल मीडिएटर ऑन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एंड इश्यूज लाइक दिस बिटवीन डिफरेंट साइड्स, या शायद मीडिएटर ठीक शब्द नहीं होगा प्रधानमंत्री जी, टू रिड्यूस ग्लोबल टेंशन, मे बी ये दिस इज अ बेटर वे ऑफ पुटिंग इट। तो इस पर मैं चाहता हूँ कि बिकॉज इट विल, इससे भारत का स्टैचर भी काफ़ी बढ़ेगा और बढ़ भी चुका है आपके कार्यकाल में, इस पर ज़रा आपकी राय क्या है? ऐसा है कि एक तो मैं बड़ी बड़ी बातें करूं वो मुझे शोभा नहीं देता है और न ही वो उचित होगा। दुनिया को ये विश्वास है कि भारत के चुनाव नतीजे क्या आने वाले हैं, आश्वस्त है, और इसलिए मुझे जून महीने के इनविटेशन आगे पड़े हैं, अगस्त के हैं, अक्टूबर के हैं, सितंबर के हैं, अरे काम। और मैं सबको कहता हूँ मेरे यहाँ तो अभी चुनाव, अरे बोले चुनाव तो हमें मालूम है क्या होने वाला है, आपको आला ही है ये, यानी एक प्रकार दुनिया को विश्वास है कि हमें, अब मैं समझता हूँ कि दुनिया के जितने ग्रुप्स हैं, समूह जो बने हुए हैं, करीब करीब सभी समूह किसी न किसी रूप में भारत की उपस्थिति उस पर चाहता है। जी से बने तो मैं बने तो वो चाहते हैं कि हम भविष्य में, तो एक अच्छी स्थिति भारत की उस प्रकार से हमारा स्थान बढ़ता जा रहा है। जहां तक कॉन्फ्लिक्ट का सवाल है, ज्यादातर दुनिया के देश पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, हम ही एक अकेले हैं जिसकी पोजीशन बहुत साफ है, हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम शांति के पक्ष में हैं, और इसके कारण विश्व का विश्वास बना कि यही एक लोग हैं कि जो किसी को आर्म्स देने की भी बात नहीं करते हैं और किसी को लड़ाई न करने की भी बात नहीं करते। अब मेरे में हिम्मत थी कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठ के आंख में आंख मिला के मैंने कहा था कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, जो ग्लोबल हेडलाइन बन गया था एक हफ्ते के। तो भारत ने ही अपनी पोजीशन बना ली है और हम शांति के पक्ष में हैं। अब जिस समय अभी इसराइल में और हमास का जो चल रहा था जी, तो मैंने मेरा एक स्पेशल एनवॉय भेजा था इसराइल, और इस इसराइल को मैं समझाने के लिए भेजा था कि कम से कम ये रमादान चल रहा है, रमजान महीना चल रहा है, उस समय आप लड़ाई मत करो, किसी पर हमले मत करो। दुनिया को मालूम नहीं है, लेकिन ये बात ज्यादा चर्चा में नहीं, रमादान हो गया है तो मैं आज बताता हूँ। जी, बहुत बड़ी बात। मैंने स्पेशल एनवॉय भेजे थे
अच्छा, और मैंने उनको कहा था कि ये जेस्चर आपका बाकी जगह पे। दूसरा मैंने कहा कि वहाँ के लोगों को रमजान के समय जो सुविधा की आवश्यकता है भारत उनके लिए भेजना चाहता है, हमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, हम उनकी जो भी मदद करना चाहिए। तो हमारा ये कैरेक्टर है जी, और हम ये करते हैं, हम इसका ढोल नहीं पीटते लेकिन हम करते हैं, और कुछ मात्रा में हमें सफलता मिलती है, कुछ मात्रा में नहीं मिलती है, लेकिन हम ही कर रहे हैं, इस मिजाज से हम नहीं कर रहे हैं। हम दुनिया से कट करके रहना नहीं चाहते, और दुनिया के सट करके रहने में देश की वैल्यूज को छोड़ने को लगे हम तैयार नहीं। हम हमारा देश, हमारे मूल्य, हमारी परंपराएं, उसी को लेकर के हम दुनिया के सामने जा रहे हैं। आपने जो बात अभी कही ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, लोगों को पता भी नहीं है, इससे एक तरह का अलग मैसेज भी जाता है।